आरपी भारत केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूं अंजलि, आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की किसी खास खबर से। हीरापुर स्थित डीएस कॉलोनी में दूसरा कोरोना मरीज मिलने के बाद शुरू हुआ सैनिटाइजेशन और फॉगिंग का काम। धनबाद के हीरापुर की डीएस रेलवे कॉलोनी में रहने वाले कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, जिसके बाद जिला प्रशासन द्वारा इलाके को सील करते हुए कर्फ्यू लगा दिया गया है। जिला प्रशासन ने डीएस कॉलोनी के लोगों का आवाजाही पूरी तरह से बंद कर दी है। शनिवार को हीरापुर स्थित डीएस कॉलोनी में कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद प्रशासन ने एहतियात बरतते हुए इस कॉलोनी को सील कर दिया है और कमिटमेंट जोन घोषित कर कॉलोनी में धारा 144 लगा दी है। उपायुक्त अमित कुमार, वरीय पुलिस अधीक्षक किशोर कौशल, सिटी एसपी, एसडीएम और लॉ ऑर्डर डीएसपी ने इलाके का दौरा किया है। यहाँ आकर के कंटेनमेंट जोन का निर्धारण किया है, जिसमें इस पूरे कॉलोनी को कंटेनमेंट जोन के रूप में तब्दील किया गया है। ये रेलवे की कॉलोनी है और इन सबको जो है वो हम लोग कंटेन किए हुए हैं और यहाँ पर कर्फ्यू जो है वो इम्पोज किया जा रहा है, ताकि किसी भी तरह का कोई भी मूवमेंट जो है वो रेस्ट्रिक्टेड। कितने किलोमीटर के दायरे में रहेगा ये? बेसिकली हम लोगों ने शहरी क्षेत्र होने के कारण से सिर्फ इस कॉलोनी को ही जो है वो हम लोगों ने कंटेनमेंट जोन के रूप में रखा है, ताकि हम इसका जो है वो थॉरली जो है वो सारे चीज़ों को सैनिटाइज एंड सर्वे का काम जो है वो किया जा सके। अभी अभी जो है वो सिर्फ और सिर्फ ये कॉलोनी जो है वो कंटेनमेंट जोन के रूप में जो है वो तब्दील की गई है। यहाँ पर यहाँ जो है वो मुख्य रूप से जो है वो पूरे क्षेत्र को कंटेन करते हुए इनको सैनिटाइज करने की योजना है, जो कि अभी जो है कार्य प्रारंभ हो गया है। 3 मेंबर की कमिटी जो है वो हर घर जा करके जो है वो सर्वे करने का काम करेगी, ताकि किसी तरह के कोई अगर इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस या सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम के जो अगर मरीज हैं या डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आए तो उनके सैंपल्स की जो है वो जांच कराई जाएगी। ये कार्य जो है वो जिला प्रशासन जो है वो कर रहा है। साथ ही साथ जो संक्रमित व्यक्ति हैं उनको बेहतर चिकित्सा सुविधा के लिए उनको कोविड हॉस्पिटल। सर, तो रेलवे अस्पताल में गया था सर, वो डीआरएम कार्यालय में क्या उधर किन किन जगहों को कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के माध्यम से सभी लोगों को जो भी उनके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आए हैं सभी को आइसोलेट कर लिया गया है। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का डिटेल काम जो है वो 3 मेंबर की कमेटी जो है वो कर रही है। जितने भी ऑफिसर्स और जितने भी ऑफिसर इसमें लो रिस्क और हाई रिस्क वाले हैं उन सबको हम लोग आइसोलेट करके जांच कराने का काम करेंगे, ताकि इसको हम लोग जो हो इसके संक्रमण की चेन को हम लोग तो। खबर ये आ रही है सर, जिस बोकारो में जहां से ये शख्स लौटा था, एक महिला पटना से वापस आई थी जिस घर में, वो कोरोना संदिग्ध है, ऐसी भी जानकारी है क्या? देखिए, हम लोग तमाम पहलुओं की जो है वो विस्तारपूर्वक जांच कर रहे हैं। ट्रैवल हिस्ट्री के रूप में जो है वो ये इनका बोकारो जो वो यहाँ पर आए हैं और यहाँ रेलवे में काम कर रहे हैं, तो हम लोग ट्रैवल हिस्ट्री को यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स को सभी को जो है वो गहनता से मॉनिटर कर रहे हैं। बताया गया भाई महोदय के द्वारा भी डीएस कॉलोनी को पूरे तरीके से हम लोग सील कर रहे हैं। लगा हुआ भाई लगभग 1 दर्जन इस प्रकार के पॉइंट्स हम लोग आइडेंटिफाई किए हैं, जहाँ पर बैरिकेड मध्य रात्रि में ही लगा दी गई थी। फोर्सेस का भी डेपुटेशन किया गया है, अब डिटेल्ड ऑर्डर भी निकल जाएगा, जिससे मजिस्ट्रेट पदाधिकारी और पुलिसकर्मी वहाँ पर मौजूद रहे, जिससे कि जो कर्फ्यू के प्रोविजंस लगाए जाते हैं उसको पूरी तरीके से लागू किया जा सके, किसी भी प्रकार का कोई वेजा मूवमेंट किसी भी तरीके से कोई इधर उधर ना जा सके और डोर टू डोर सर्वे पूरी तरीके से किया जा सके। इस एरिया को आइसोलेट करके जो मेडिकल प्रोटोकॉल्स हैं उसको हम पूरी तरीके से फॉलो करें जी। तो मूवमेंट पूरी तरह से रुक रहेंगे इस एरिया में, पूरी तरीके से रिस्ट्रिक्टेड रहेगा और बाकी एरिया में भी, क्योंकि इस प्रकार का एक मामला सामने आया है तो शहर और जिले के बाकी एरिया हम लोग हाई अलर्ट रहेंगे। सर, कहीं कहीं लॉकडाउन का उल्लंघन देखा जा रहा है, सुबह सुबह हटिया में इतनी भीड़ थी, उसके लिए हम लोग लगातार प्रयासरत हैं कि उसको हम लोग बिल्कुल खत्म करें और काफी सहयोग मिल रहा है, लेकिन निश्चित तौर पर हम लोग।